हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त है और मेरे साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। और यूनिट फोर्थ के इम्पोर्टेंट डिटेल वीडियो के ऊपर मैं आ चुका हूं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डॉक्यूमेंटेशन का अपना सब्जेक्ट चल रहा है, ऑलरेडी 3 वीडियोज इसके अपलोड हो चुके हैं, यानी 3 यूनिट अपन निपटा चुके हैं। फोर्थ और फिफ्थ 2 यूनिट बची है और ये वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फोर्थ यूनिट यहीं पे कंप्लीट हो और नेक्स्ट वीडियो में फिफ्थ और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो अपन लाएंगे। आज ही लाने की पूरी कोशिश है, पूरी शक्ति लगा दी है मैंने समझाने के अंदर, बनाने के अंदर, ठीक है। तो आप सभी का जो प्यार मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है, उन सबके लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हो, कल का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छाएं भी है और अच्छा जाने वाला है, क्योंकि जो मेहनत करता होता है उसको सफलता मिलती ही है, भले देर सवेर हो लेकिन सफलता मिलेगी। और आपकी देर तो केवल कल तक ही है, कल आपको सफलता मिलनी ही है, ठीक है। फोर्थ यूनिट में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट अपना फर्स्ट टॉपिक है। ये तो वैसे वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के अंदर कह सकते हो कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का काम करती है ना, लेकिन गवर्न करने का काम, उसको रेगुलेट करने का काम कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन करती है। अब वो पहली ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पहली ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1995 के अंदर इस्टेब्लिश हुई। काफ़ी देर लग गई इनको आते आते, 2000 इसका नाम बदल दिया गया था, मतलब पहले किसी और नाम से थी, अब फिर किसी और नाम से आई। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपने ट्रेड रेगुलेशंस के लिए वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, अब एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में हमारे पास डिफरेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, केमिकल की है, फार्मा की है, इंजीनियर की है, मटेरियल की है, ठीक है। इसके अलावा स्पेसिफिक काउंसिल भी बना रखी है हमने, चाइना के लिए स्पेसिफिक बना रखी है, रशिया के लिए स्पेसिफिक बना रखी है ना, स्पेशल किसी कंट्री के लिए भी हमने काउंसिल बना रखी है, प्रमोशनल काउंसिल। इन सब का बेसिक वर्क ये की होता है कि अपने यहाँ पर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना और रेगुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना और एक सिंक्रोनाइज वजह से आए। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन टाइप है, एपेक्स बॉडी है, 1965 के अप्रोक्सीमेटली बन गई थी। इसका भी मेन काम क्या है इनका, अच्छा काम ISO सर्टिफिकेट के साथ कोऑर्डिनेट करना, जैसे ISO 9000 सर्टिफिकेट है, ISO 14001 सर्टिफिकेट है एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए, तो उनके सर्टिफिकेट को रेगुलेट करना, उसको हेल्प करना, ISO कंपनी को हेल्प करना ताकि वो स्टैंडर्ड बना सके। इनके ऑफिसेज रहते हैं, वहाँ पर आप एक्सपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू होता है। इसके अलावा मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कौन से प्रोडक्ट, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी 1972 में बन गई थी। इसका बेसिक फर्क क्या होता है, सी फूड को बढ़ावा देना, मत्स्य पालन को, जिसमें मछुआरों को प्रोत्साहन देने के लिए, सी फूड को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बड़ी थी, ठीक है। कलेक्शन करना और इंडिया के लिए मरीन प्रोजेक्ट काइंड ऑफ एनरिच करना, सिंपल है। चारों की थोड़ी थोड़ी थ्योरी याद कर लेनी, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। 3-3 लाइनें, इनका हेड ऑफिस कहाँ है, कब इस्टेब्लिश हुई, ये सारी चीज़ें इस डिटेल नोट्स में लिखी हुई हैं, आप एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएगी। कोई इसमें समझने लायक ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। अब प्लानिंग ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑपरेशन, अब प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग जो अपनी HRM में पढ़ते हुए आए, HR में पढ़ते हुए हैं, वही प्लानिंग है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्लानिंग करनी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्लानिंग में कोई दूसरी प्लानिंग नहीं होने वाली, वही नीड असेसमेंट होगा। सबसे पहले अपन कोई भी प्लान करते तो ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं, उसके बाद चेकिंग द प्लान, चेकिंग द अल्टरनेटिव चेक करते हैं या उसको आइडेंटिफाई करते हैं अल्टरनेटिव को, फिर चेक करते हैं, फिर चेक करने के बाद उसको चूज करते हैं, चूज करने के बाद इंप्लीमेंट करते हैं और फीडबैक लेते हैं। यही प्लानिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लिखनी है। क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो, फिर डेटा गैदर करो, डेटा गैदर करने के बाद एनालिसिस करो, एनालिसिस करने के बाद चेकिंग अल्टरनेटिव वाला पॉइंट आ गया, अल्टरनेट करने के बाद उनमें से बेस्ट चूज कर लेना है, फिर उसको इंप्लीमेंट कर देना है, फिर क्या करना है, फीडबैक लेना है। यही प्लानिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वही चीज है, केवल यहां पर नाम बदल दिया गया है ना। बिजनेस रिक्वायर्ड टू द केयरफुल प्लानिंग कमिटमेंट, ठीक है, नॉलेज ऑफ बेसिक मैनेजमेंट स्किल, एस्टैब्लिशमेंट गुड रिलेशनशिप बिजनेस एंड सप्लायर। अब केवल जो लिखना है अपन को इसके अंदर बेसिक थ्योरी, वो वही थ्योरी है कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन सी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक बिजनेसमैन को क्या क्या आना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अपन को एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, सर्टिफिकेट्स है ना, काउंसिल नॉलेज,
उसका रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें इसके अंदर और एड ऑन में लिखनी है, क्योंकि ये इंटरनेशनल बात हो रही है। अब इंपोर्ट का प्रोसीजर, अभी तक अपन एक्सपोर्ट के टॉपिक्स पे थे। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? आउटसाइड इंडिया सप्लाई करना, आउटसाइड इंडिया सप्लाई करना, ठीक है। लेकिन जब मैं इंपोर्ट के टॉपिक पे आ जाता हूँ, तो इसका क्या मतलब होता है? विदेशों से भारत में माल मंगवाना। इंपोर्ट का मतलब क्या है? आयात। आयात आप सभी जानते हैं, बाहर से माल मंगवाना। गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें दोनों चीजें आती है, गुड्स भी आता है एंड सर्विसेज भी आती है। इंपोर्ट इज द जस्ट बाय द प्रोडक्ट विद द अनदर नेशन, सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन इंपोर्ट का मतलब वो अगर उसने हमको फ्री में दे दिया तो भी वो इंपोर्ट के अंदर कैटेगरी में नहीं आएगी। इंपोर्ट का मतलब बाइंग ही होता है। अब इसका प्रोसीजर क्या, जैसे अपन ने एक्सपोर्ट का प्रोसीजर देखा था, सेम इंपोर्ट का प्रोसीजर है, थोड़ा सा डिफर है। इसके अंदर भी अपन को सर्टिफिकेट लेना होता है। जैसे कि अच्छा, यहाँ पे जो इंपोर्ट हो रहा है वो सेलिंग के पर्पज से हो रहा है, मतलब जो बायर है, जो बाय कर रहा है वो कंज्यूमर नहीं है, वो क्या कर रहा है? सेल करेगा इस प्रोडक्ट को। यहां पर बायर कंज्यूमर नहीं है, मतलब मैंने 500 शर्ट मंगवाई, बाय करी, तो मैं इंपोर्टर का लाइसेंस लेना होगा, इंपोर्टर का मेरे को सर्टिफिकेट लेना होगा, तब मैं इंपोर्ट कर सकता हूं। तो जैसे एक्सपोर्टर का सर्टिफिकेट होता है वैसे इंपोर्टर का सर्टिफिकेट होता है। इसमें कहां कोई चीज़ समझने लायक नहीं, केवल जानने लायक है। सबसे पहले मेरे को ट्रेड की इंक्वायरी करनी होगी कि कौन सा बिजनेस यहाँ पे चल सकता है, अच्छा चल सकता है, नहीं चल सकता, ठीक है। इसके अलावा इंपोर्ट का लाइसेंस मेरे को लेना होगा, कोटा का पता करना होगा कि किसके अंदर मैं वर्किंग कर सकता हूँ। फॉरेन एक्सचेंज के लिए मेरे को चेक करना होगा, एक फॉरेन एक्सचेंज का अकाउंट खुलाना होता है, करंट अकाउंट के अंदर वो इंटीग्रेटेड होता है फॉरेन एक्सचेंज का अकाउंट। ये मैं एक्सपोर्ट में बताना भूल गया आपको कि जो करंट अकाउंट ओपनिंग होती है, एक तो नॉर्मल होती है डोमेस्टिक वाली और एक फॉरेन एक्सचेंज वाली होती है। उसके अंदर क्या होता है कि जो भी पैसा आपके पास फॉरेन से आएगा वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होकर आपको इंडियन रुपीज़ में मिल जाएगा। जैसे कि यूट्यूब से कुछ इनकम आई तो ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट के अंदर रुपीज़ में ट्रांसफर होकर आती है, ऐसा नहीं है कि डॉलर आ गए, ठीक है, क्योंकि इंडियन बैंक, तो वो फॉरेन एक्सचेंज से लिंक हो जाता है, स्विफ्ट ट्रांजैक्शन उनको कहते हैं, नॉर्मल बात है। प्लेसिंग, एक ऑर्डर प्लेस कर देना, ऑर्डर प्लेस करने के बाद फिर वहां सर एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना होगा। मिस्टर पिंटू, याद रखो इसमें कौन है अपना, मिस्टर पिंटू और ए कहां बैठा है? ए बैठा है यूएसए में। यूएसए को उसको क्या देना होगा? लेटर ऑफ क्रेडिट देना होगा, तभी तो वो मिस्टर पिंटू को सप्लाई करेगा। अभी अपन ने देखो थर्ड यूनिट में देखा है, भूलना मत, बड़ा आसानी से बम जाया था। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स क्या हो गए? इंपोर्ट का सर्टिफिकेट हो गया, इनवॉइस बिल हो गया, एग्रीमेंट हो गया, हमारा जीएसटी नंबर हो गया, ठीक है, ये नंबर्स उसको देना, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। और इसके अलावा अदर फॉर्मेलिटीज ऑफ क्लीनिंग करना, क्लियरिंग ऑफ गुड्स का मतलब कि जो यहाँ पे कस्टम ऑफिसर्स है वो उसको क्लियर करता है। पेमेंट कर देना होता है, यूजुअली एडवांस पेमेंट होता है। और क्लोजिंग द ट्रांजेक्शन मतलब कि अब हमको माल मिल गया है, उसको पेमेंट मिल गया है तो क्लोज हो गया, सिंपल सा। मेरे को यहाँ से माल मंगवाना है यूएसए से, चाइना से, तो सबसे पहले ट्रेड इंक्वायरी करूँगा वहाँ पे माल कितने में मिल रहा है। उसके बाद मैं एक ऑर्डर प्लेस करता हूँ, ऑर्डर प्लेस करने के बाद एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करूँगा, उसमें लाइसेंस भी मेरे को बनवाना होगा। लाइसेंस बनवाने के बाद वो मेरे को यहाँ पे माल भेज देगा, माल भेजने के बाद मैं उसको रिसीव करूँगा, रिसीव करने के बाद फाइनल पेमेंट भी कर सकता हूँ या एडवांस में फुल पेमेंट कर सकता हूँ, यूजुअली एडवांस पेमेंट चलता है, और उसके बाद क्लोज हो जाएगा ट्रांजेक्शन, ठीक है। यही सिंपल सारे स्टेप्स हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। ओवर द वेरियस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, हमेशा बढ़ावा किसको दिया जाता है? एक्सपोर्ट को दिया जाता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमेशा एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, इंपोर्ट को प्रमोट नहीं करती है, क्योंकि इंपोर्ट में तो अपने वैसे ही ज़्यादा डेफिशिएंसी है, मीन्स कि हमारे पास एक्सपोर्ट कम करते हैं, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज काफ़ी वेरियस स्कीम्स लाती हैं। अब इनमें से कुछ स्कीम अपन देख लेते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक एडवांस, अभी इसको चलो रेमिशन स्कीम से शुरू करते हैं। अच्छा, ड्यूटी ड्रॉबैक रेमिशन का ही पार्ट है। रेमिशन का मतलब क्या होता है? कुछ छूट दे दी जाती है, कोई डायरेक्ट पैसा दे दिया जाता है, उसमें पहली है ड्यूटी ड्रॉबैक। अब ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम क्या है? इसके अंदर यह है कि जब आप कुछ एक्सपोर्ट करोगे, एक सर्टेन लिमिट से अगर आप ज्यादा एक्सपोर्ट करते हो तो टैक्स बढ़ने की जगह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। एक ऑप्शन तो यह रहता है। दूसरा, जो अदर आपको टैक्स लग रहे होते हैं, अदर टैक्स मतलब कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे अगर कोई टैक्स ले सकते हो तो उस पर आपको क्रेडिट दे दी जाएगी, आप उसका वहां पर यूटिलाइज कर सकते हो।
तो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम क्या कहती है? ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम ये कहती है कि आप, ये कौन से एरिया में होती है, सेज एरिया दिया हुआ है, सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां से अगर आप कुछ सेल कर रहे हो सेल यानी एक्सपोर्ट, सेल एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको जो उस पर खर्चा आ रहा है, जो टैक्स लग रहा है, खर्चा नहीं जो टैक्स लग रहा है, वो टैक्स गवर्नमेंट रिबेट दे देती, माफ कर देती है। या आप कुछ दूसरी जगह कहीं पे आपने टैक्स पेमेंट कर दिया है तो उससे आप अल्टर करा सकते हैं, उसकी आपको क्रेडिट मिल जाती है, ये कहलाती है ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। ड्यूटी एंटाइटल पासबुक स्कीम, ड्यूटी एंटाइटल पासबुक स्कीम ये कब मिलती है आपको? ये मिलती है इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट। यदि मैं कुछ एक्सपोर्ट करूंगा तो आपको कुछ इंपोर्ट करना होगा, अगर मान लो दोनों काम कर रहा है बंदा, एक्सपोर्ट भी कर रहा है इंपोर्ट भी कर रहा है ना, तो इंपोर्ट पे उसको टैक्स देना होगा और एक्सपोर्ट पे उसको पेमेंट कर रहा है, टैक्स फ्री है तो। लेकिन इसके यहाँ पर उसको कुछ क्रेडिट मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, एक्सपोर्ट करने पे कुछ क्रेडिट मिल जाएगी, कुछ अमाउंट मिल जाएगा, वो यहाँ पर टैक्स में यूटिलाइज कर सकता है। एक पिक्चर आई थी गुरु अभिषेक बच्चन की, कुछ बच्चों ने देखी होगी, उसमें वो एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेने के लिए ऐसा बताया विद्या बालन साहब ने कि उन्होंने क्या करा, खाली कार्टून भेजना शुरू कर दिया, उसके अंदर मटेरियल नहीं था, खाली कार्टून भेजना शुरू कर दिया, तो दैट इज एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का लाइसेंस उन्होंने ले लिया था। उससे वो जब कुछ चीज़ मंगवाते थे तो उस पर वो टैक्स का बेनिफिट ले लेते थे। धीरू भाई अंबानी साहब के बारे में फैक्चुअल फिगर तो अपन नहीं बताएंगे, काफ़ी अलग बात हो जाएगी, लेकिन ये आपको आइडियोलॉजी कि आप कुछ अगर सेल करते हैं और रिसीव कर रहे हैं, रिसीव पे जो आप टैक्स दे रहे हैं उसमें आपको जो अगर छूट मिल रही है तो वो कहलाती है ड्यूटी एंटाइटल पासबुक स्कीम। क्लियर है, इसके अंदर भी यही होगा। डिवाइस इज दोज फॉर एक्सपोर्टर वो विश टू अवेल द फैसिलिटी इंपोर्टिंग ऑफ वेरियस इनपुट। एक्सपोर्टर भी है लेकिन इंपोर्टर भी है। अब हो सकता है कि जैसे कि कोई गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, उसको जो वायर है, जो कॉपर है, वो बाहर से मंगवाना पड़ता होगा, लेकिन वो गाड़ी बेच रही है, जब वो गाड़ी बेच रही है तो वो कुछ एक्सपोर्ट कर रही है, लेकिन रॉ मटेरियल उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने पे उसको टैक्स लगता है, जब वो इंपोर्ट करने पे उसको टैक्स लग रहा है तो वो टैक्स की रिबेट ले सकती है, टैक्स माफी करा सकती है, वो उसके क्रेडिट ले सकती है, और एक्सपोर्ट कर रही होती है तब उससे सेटलमेंट हो सकता है। दैट इज द ड्यूटी एंटाइटलमेंट स्कीम। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या है, इसके अंदर वो कमी कर दी जाती है, यहां पर आपका डोमेस्टिक सेल के अंदर भी कमी करी जाएगी। अब ड्यूटी ड्रॉबैक एडवांस इस लाइसेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक एडवांस लाइसेंस, एक्सपोर्टर कैन ऑप्ट आइदर ऑल इंडस्ट्री रेट और ड्रॉबैक स्कीम ब्रांड रेट। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम मेजर एक टैक्स लगा दिया जाता है, बड़ी इंडस्ट्री पे भी एक, छोटी पे भी एक, वैसे तो ऑल इंडिया ऑल इंडस्ट्री टैक्स उसको नाम दिया जाता है, लेकिन बेसिकली एक्सपोर्ट प्रमोशन की वेरियस स्कीम है। आज आप गूगल पे सर्च मारोगे मेजर स्कीम्स ऑफ नरेंद्र मोदी फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन, कोई भी 10 स्कीम आप याद रख सकते हो, लेकिन मैं आपको एग्जाम के लिए केवल 3 स्कीम का बोल रहा हूँ। कितनी? 3, 2 तो दे रखी है, एक सर्च कर लेना, अपने कोर्स में भी 2 ही है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सर्च करके करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और कल लिखने में और आसानी होगी। एक चलो तीसरी भी मिल गई। अच्छा ये तो वही है, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम। ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम क्या है? एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम है, ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव स्कीम है कि आपने कुछ मंगाया तो उस पर आपको कुछ छूट मिल जाएगी, सॉरी आपने कुछ भेजा तो उस पर आपको, यहाँ पर जब आप सेल कर रहे हो, यहाँ पर अगर जैसे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते हुए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक कंपनी कुछ एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे तो इसको टैक्स का बेनिफिट मिला, ठीक है, इसके अलावा ये कंपनी डोमेस्टिक सेल भी करती है, तो यहाँ पे जो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, लेकिन इस एक्सपोर्ट करने के कारण इस टैक्स का बेनिफिट इसको यहाँ पे भी मिलेगा, इसी को बोला जाता है ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, ठीक है। एक तो क्लियर ये बात हो गई। सेकंड इस स्कीम के अंदर आता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। क्या आता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अब वापस एक कंपनी को लेता हूं, एक कंपनी कुछ मंगवा रही है कहीं से, चाइना से मंगवा रही है और यूके में सेल कर रही है, तो जो चाइना से मंगवाया मान लो 5,000 रुपये के इसका इसने टैक्स दिया, तो एक पोर्शन उसका एक्सपोर्ट में तो टैक्स फ्री रहा,
तो ये जो उसने टैक्स दिया ये गवर्नमेंट आपको फिर से रिफंड कर देगी या आपको इसकी क्रेडिट दे देगी कि अगली बार टैक्स में आप ये राइट ऑफ करवा सकते हो, अगली बार आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट यूजुअली रिफंड नहीं करती, इसमें राइट ऑफ करवाने का काम करती है। यही क्या कहलाती है, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम। एक स्कीम बता दी, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम बता दी, ठीक है, दो स्कीम इसके अंदर मेजरली दी हुई है। और इसके साथ अपना 15 मिनट के अंदर फोर्थ यूनिट भी कंप्लीट हो गया। फिफ्थ यूनिट पे जल्दी पहुंचते हैं, जल्द से जल्द फिफ्थ यूनिट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लाने की मेरी कोशिश रहेगी। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते भी रहिए। जय हिंद।